तो हे गाइस, क्या आप लोग भी चाहते हो कि हम लोग किस तरह से अपनी यूट्यूब शॉर्ट को इस तरह अपलोड करें कि हमारी वो यूट्यूब शॉर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रैंक करे यूट्यूब के? आप लोग अगर सर्च करते हो कोई भी चीज़, जैसे कि हाउ टू मेक ब्रेकफास्ट, तो उसके अंदर जो भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है उसके अंदर आपकी शॉर्ट वीडियो भी ऐड हो। सो किस तरह से आप लोग यूट्यूब शॉर्ट को सही तरीके से अपलोड करोगे जिससे कि वो यूट्यूब शॉर्ट पर भी जाए और आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना बोले। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसे कि भी आप लोग देख रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले YouTube ऐप ओपन करो और इसके बाद आप लोग प्लस वाला आइकन पे जाओ और क्रिएट शॉर्ट पे आप लोग जैसे ही जाओगे आप लोगों को काफी ऑप्शंस दिखने को मिलते हैं। आपको ऐड म्यूजिक, स्पीड, टाइमर, बहुत कुछ आपको मिलता है। तो अब आप लोग क्या करो, अपलोड्स पे जाओ। आप लोगों ने अगर वीडियो एडिट कर रखी हो तो वो डाल दो, अदरवाइज आप लोग बनाना चाहो तो वो कर दो। तो मैंने बना रखी ऑटोमेटिकली, तो मैं एक वीडियो यहाँ पर ये नेक्स्ट करके इसे प्राइवेट के अंदर ही आपको अपलोड करनी है। हमेशा ध्यान रखना, इसको सिंपली प्राइवेट में ही हम लोगों ने अपलोड कर दी, ठीक है। एसईओ कुछ नहीं किया, वीडियो हम लोगों ने डाल दी है। याद रहे पर आपकी 1 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट 1 सेकंड की भी वीडियो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर नहीं जाएगी। तो अब इसके बाद आप लोग क्या करो, आप लोग यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाओ और सिंपली उस वीडियो का एसईओ करना आप शुरू करेंगे हम लोग। तो ये इस वीडियो को मैं यहाँ पर जाऊंगा पेंसिल वाले आइकन पर, अब इसका हम लोग लाइन वाइज एसईओ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पेंसिल पे हम लोग जाएंगे और कस्टम थंबनेल पे एक थंबनेल आपको ऐड करना है। तो सिंपली मैं ये वाला थंबनेल ऐड कर लेता हूँ, फेसबुक और ट्विटर बैन वाला जो थंबनेल था ये मैं ऐड कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम लोग इसका जो है यहाँ पर टाइटल दे देंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं एक छोटा सा टाइटल, फेसबुक एंड ट्विटर बैन इन इंडिया, ये हम लोगों ने इसका एक टाइटल दे दिया। अब इसके बाद आप लोग स्पेस दो, हैशटैग लगाना शुरू करो, हैशटैग SHORTS शॉर्ट्स, ऑफिस के बाद हैशटैग फेसबुक बैन और हैशटैग ट्विटर बैन, तो आपको स्पेस नहीं देना है बैन में। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा टाइटल ऐड कर दिया। अब इसी चीज को सेम आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी, इस चीज को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड करो और इसके बाद आप लोग इसको टैग्स के अंदर भी पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं टैग्स के अंदर से पेस्ट कर देता हूँ, तो ये पेस्ट कर दिया हमने और फिर ये हम लोगों का यहाँ पर एक काम हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट जो है मैच हो गए। अब इसके बाद आप लोग जाइए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फिर यहाँ पे आप लोग अपने वीडियोस के, आप लोग किसी भी वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट फेसबुक इंस्टाग्राम सबका लिंक जो है आप लोग अपलोड कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज फिर इसके बाद आपको क्या करना है वो सुनते हैं। तो अब आप लोग जैसे कि पता होगा तभी मैं अपनी वीडियो शॉर्ट्स ऐड करता हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ मैं टाइटल दे देता हूँ, छोटे मोटे लिंक्स वगैरह दे देता हूँ वीडियोज के और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर क्वेरीज और फिर इसके बाद 2 पॉइंट और इस तरह से मैं योर क्वायरी लिख देता हूँ। फिर इसके बाद जो जो लोग सर्च करते हैं वही चीजें मैं यहाँ डाल देता हूँ, मतलब कि अपने टैग्स को, जो वीडियोस के अंदर मैं टैग्स लगाता हूँ वही टैग को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे कि काफी लोग अभी सर्च करेंगे फेसबुक बैन या ऐसे, काफी लोग सर्च करेंगे फेसबुक बैन, ट्विटर बैन, ये चीजें काफी लोग सर्च करेंगे। अभी और भी चीजें ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर सबसे पहले ये चीज लिखनी होगी हैशटैग SHORTS शॉर्ट्स, ये चीज आपको अपने टैग्स में भी डालनी है, हैशटैग शॉर्ट्स आपको टैग में भी लिखना होगा। अब इसके बाद फेसबुक और ट्विटर बैन और जो जो चीजें लोग सर्च करते हैं ना वो चीजें आप लोग योर क्वेरीज में डाल दो। और याद रहे आप लोग इसके अंदर जितना अच्छा टैग रखोगे वही आपकी वीडियो जहाँ सर्च में भी आएगी और आपकी वीडियो रैंक कर सकती है। तो ये सब चीजें करने के बाद आप लोग इसको प्राइवेट करना, आप लोग याद रखो तभी अपनी वीडियो को शॉर्ट ऐड करो, तो उसका एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए कि 11 बजे करनी है, 12 बजे करनी है और इसका एसईओ आपको 2 घंटे पहले ही करके कंप्लीट रख लेना है, क्योंकि वो चीज़ जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम में सेव भी होनी चाहिए। तो ठीक है, 2 घंटे पहले हम लोगों ने रख लिया और इसके बाद इसको शेड्यूल करके आप लोग पब्लिक कर दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने ये पब्लिक कर दी और इसको सेव कर दो। आप लोग थंबनेल भी लगाना, अदरवाइज नहीं तो आपकी वीडियोस पे व्यूज वगैरह नहीं आएंगे, फिर आप लोग कमेंट करोगे यार भाई व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी वीडियोस को रैंक करा सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो। तो गाइस, उम्मीद है
आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और आई होप आप लोग समझ गए होंगे बारीकी से कि किस तरह से आप लोग यूट्यूब शॉर्ट को सही तरीके से अपलोड कर पाओगे। और इस चीज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ और मुझे सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं और व्यूज भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो यार आप लोग इस चीज को अपनाना जरूर और मैंने जिस तरह से बताया उसी तरह से वीडियोस को अपलोड करा करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।